कोरोना वायरस इन्फेक्शन को लेकर जहां देश प्रदेश में डर का माहौल है, तो वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिलासपुर जिला में भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बिलासपुर जिला में दो अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों के उपचार के लिए सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना वायरस इन्फेक्शन को लेकर जहाँ देश प्रदेश में डर का माहौल है, तो वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिलासपुर जिला में भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जी हां, बिलासपुर जिला में दो अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों के उपचार के लिए सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें एक 4 बेड वाला आइसोलेशन वार्ड बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल में और एक 2 बेड वाला आइसोलेशन वार्ड घुमारवी नागरिक अस्पताल में बनाया गया है। वहीं इस आइसोलेशन वार्ड में वेंटिलेटर, मास्क व सैनिटाइजर सहित महत्वपूर्ण दवाइयां रखी गई हैं। इस बात की जानकारी देते हुए बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश आलूबालिया ने बताया कि कोरोना वायरस से लड़ने और कोई भी मामला सामने आने पर संक्रमित मरीज के लिए अस्पताल में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जिले के दोनों सेंटर्स में डॉक्टर सहित नर्स भी मरीज के उपचार के लिए हमेशा तैनात रहेगी। गौरतलब है कि बिलासपुर के घुमारवी से एक कोरोना वायरस का संदिग्ध मामला सामने आया था, जब दक्षिण कोरिया से एक व्यक्ति अपने घर घुमारवी पहुंचा था, जिसका आईजीएमसी शिमला में चेकअप के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वायरस इन्फेक्शन को लेकर रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर पूरी तरह से तैयार है। रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर में हमने एक आइसोलेशन वार्ड रेडी किया है, जिसमें 4 बिस्तर लगे हैं। उस वार्ड में हमने वेंटिलेटर, सैनिटाइजर, N95 मास्क और PPE किट्स वगैरह अवेलेबल कराई हैं। अभी तक जो है हॉस्पिटल में कोई भी कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं आया है और ना ही इससे कोई डरने की जरूरत है। लेकिन जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है कि भाई बहुत ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे ना हो, इसको देखते हुए हमने जो है हॉस्पिटल में एक जो लंगर सर्विस चलती थी उसको भी 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया।